हेलो एवरीवन, आज का जो चैप्टर है वो है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जो क्लास 6 के इंग्लिश का है। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में है। तो क्या लिखा है, लेट्स बिगिन डिस्कस इन क्लास। डू यू लाइक होमवर्क? डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? कह रहे हैं कि आपको क्या, आपको होमवर्क पसंद है, आप खुद से करते हो या किसी की मदद लेते हो, और किस तरह का होमवर्क आप करते हो। तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक कभी काम होमवर्क नहीं करता था, तो उसको लगता था ये बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। तो वो क्या, वो या तो हॉकी खेलता था, या तो बास्केटबॉल खेलता था, या निंटेंडो। निंटेंडो वीडियो गेम होती है, तो वो खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू यू होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग। और उसके टीचर्स उसको कहते थे कि अगर तुम कहाँ होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, बट वट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। तो और ये सही बात है, उसको कई बार ऐसा लगता था कि मैं काफ़ी डल बच्चा हूँ, मैं काफ़ी कमज़ोर बच्चा हूँ, बट वो क्या कर सकता था, उसको होमवर्क से नफरत थी, उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। द वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। तो एक दिन उसे क्या पता चलता है कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है, और वो उसको एकदम से पकड़ लेता है। ग्रैब्ड का मतलब है उसको पकड़ लेना। टू हिज सरप्राइज इट वॉजेंट अ डॉल एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। तो उसको हैरानी हुई जब उसने देखा कि वो जो गुड़िया है वो गुड़िया नहीं है, वो एक छोटा सा आदमी है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच्स। तो उसके पास क्या थी, उसके पास एक ऊन की शर्ट थी और ओल्ड फैशन ब्रीचेस। ब्रीचेस का मतलब है जैसे पजामे, जो छोटे से पैंट जो होती है वो बहुत छोटी होती है, उसको ब्रीचेस बोलते हैं। तो और हाई टॉल हैट लाइक अ विचेस, और जैसे जो जादूगर होते हैं उनकी जो लंबी टोपी होती है, वैसे ही उसके पास एक टोपी थी। तो ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट। उसने क्या, उसने जो जोर से चिल्लाया, कहा कि मुझे बचाओ, मुझे बिल्ली के पास मत छोड़ो। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रॉमिस यू दैट। उसने कहा कि मैं आपको आपकी इच्छा, आपका आपकी एक बात मानूंगा अगर आप मुझे बचा लोगे इससे। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स। पैट्रिक को इस बात पे भरोसा नहीं हुआ कि वो कितना खुशनसीब है कि उसकी जो जितनी भी दिक्कतें हैं उनका जवाब उसको मिल गया। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। तो उसने जवाब दिया कि मैं तभी तुम्हें बचाऊंगा जब तुम मेरा जितना भी होमवर्क है जो वो ख़त्म करोगे, और जो अभी जिसमें अभी 35 डेज रहते हैं, यानी 35 दिन रहते हैं। इफ़ यू डू ए गुड एनफ जॉब, आई कुड इवन गेट एज। मतलब अगर वो कह रहा है कि अगर तुमने अच्छे से काम किया तो मुझे ए ग्रेड मिलेगा। एज का मतलब है ए ग्रेड मिलना। द लिटिल मैंस फेस रिंकल लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिंस एंड स्कॉल्ड एंड परस्यूड हिज लिप। तो जो वो छोटा सा आदमी था, उसके चेहरे पे शिकन आने लगी, जैसे एक कपड़े के उसमें आती, कपड़े में कैसे रिंकल्स आते हैं, फोल्ड्स आते हैं। तो और उसने अपनी ज़मीन पे टांग मारी और चेहरा जो था उदास वाला हो गया उसका। वो और बोलता है, ओह आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। कह रहा है मेरे को ये सज़ा मिल गई है मगर मैं ये करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और अपनी बात का पक्का होके उसने क्या किया, पैट्रिक का काम
करना शुरू कर दिया, होमवर्क जो था उसको शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देर वॉज वन ग्लिच, मगर वहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ग्लिच का मतलब है कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। जो छोटा सा आदमी था उसको ये पता नहीं था कि क्या करना है और उसको हमेशा मदद की ज़रूरत पड़ती थी। तो हेल्प मी ही वुड से। तो वो क्या बोलता था, हेल्प मी, मुझे बच मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती चाहे किसी भी तरह से। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्यूड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। तो वो कहता है कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है, और वो काफ़ी स्क्वीड का मतलब है, स्क्वीड यहाँ पे है SQUEAKED का मतलब है कि तीखी आवाज़ में, बड़ी तेज़ आवाज़ में वो बोलता है कि मुझे पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो मुझे इस वर्ड का मतलब पता नहीं है। तो गेट मी ए डिक्शनरी, नो वाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट ऑफ द ईच लेटर। तो कह रहे कि मुझे डिक्शनरी दो, मैं इसमें पढ़ूंगा ताकि इसको अच्छे से समझूंगा और इसमें अच्छे से मैं बोल पाऊंगा। व्हेन इट कम टू मैथ, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, मगर जब मैथ की बारी आती है तो पैट्रिक का जो किस्मत है वहाँ पे नहीं चलती है। वॉट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ शेक। तो वो जो छोटा आदमी होता है एल्फ जिसको, वो चिल्लाता है, बोलता है ये टाइम टेबल क्या होता है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम जो एल्फ्स हैं हमें कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। और ये क्या है, एडिशन क्या हो गया, ऐड करना क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन क्या हो गया, डिवाइड करना क्या हो गया, फ्रैक्शंस क्या हो गया, हमें नहीं पता। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो उसने कहा कि तुम मेरे साथ बैठो और मुझे हेल्प करो कि ये क्या है, मुझे समझाओ। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स ए मिस्ट्री। तो एल्फ्स जो लोग थे उनको इंसान के बारे में कुछ नहीं पता था, उनके लिए ये एक रहस्य था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो जो 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 छोटा एल्फ था वो पहले से ही चिल्ला रहा था और वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो उसने क्या, उसके ज़ोर से बोलते हुए बोला कि आप लाइब्रेरी में जाओ और मुझे वहाँ से किताबें लेके दो, और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी किताबें लाओ ताकि तुम मुझे हेल्प करो इनको पढ़ने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, लिटिल एल्फ वॉज ए नैग, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट्स रेड ड्रैग। तो दिन ब दिन क्या होने लगा, जैसे दिन बढ़ते रहे तो वो उससे और काम कराया, और ये पैट्रिक के लिए काफ़ी मुश्किल होने लग गया। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी। तो वो पूरी पूरी रात क्या जागता रहता था, वो उसकी आँखों में सूजन आ गई थी, वो रात भर जागता था उसकी। तो वो ऐसे ही स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। आखिरकार क्या था, जो आखिरी दिन आ गया स्कूल का और जो एल्फ था, जो वो छोटा इंसान था, उसको आज़ादी मिलने वाली थी पैट्रिक से। एज़ फॉर होमवर्क, देर वॉज नो मोर, जितना जो होमवर्क बचा था उसमें जो था होमवर्क के लिहाजे से कुछ नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लोली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। तो वो क्या हो गया, वो चुपचाप से धीरे धीरे पिछले के दरवाजे से चला गया। पैट्रिक गॉट एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। पैट्रिक को क्या, ए ग्रेड मिल गया, उसके जो क्लास में जो बच्चे थे वो सब हैरान थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके जो टीचर्स थे उसके वो सब खुश होने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो माँ बाप, दे वॉन्डर्ड वट हैपन टू द पैट्रिक। वो हैरान हो गए वो कि ये पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो एक अच्छा बच्चा बन गया था, जो
जिसको लो मॉडल का मतलब है जिसको बाकी लोग देखकर उसकी तारीफ करे, हम भी ऐसा बने, ऐसा बच्चा बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड। तो वो क्या, अपना रूम भी साफ करता था, अपनी किताबें भी सही संभाल करता था, हमेशा खुश रहता था, किसी से बुरी बातें नहीं करता था, और उसने एक नया एटीट्यूड रख लिया अपनी लाइफ में जीने का, कि हम एटीट्यूड का मतलब है उसने नज़रिया बदल लिया अपना। ठीक है, यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड दैट टाइनी मेड डू ऑल हिज होमवर्क। आपने देखा कि जो पैट्रिक है उसने क्या किया, उसने उस छोटे से आदमी की मदद से वो अपना होमवर्क कर लिया। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, मगर मैं कुछ आप ये जो जो इस कहानी जो लिख रहा है जिसने जिसने ये स्टोरी लिखी है वो कह रहा है, मगर मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ इस कहानी के बारे में जो सिर्फ आपके और मेरे बारे में। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। तो उसने कहा कि ये एल्फ नहीं था, ये पैट्रिक था जिसने अपना होमवर्क खुद किया। ठीक है, तो इसे फिर एक कैरल मूरे जो है वो इसके राइटर थे जिन्होंने ये स्टोरी लिखी थी। फिर इसमें नीचे ग्लॉसरी, फिर निंटेंडो मतलब मैंने आपको बताया था वीडियो गेम होती है, फिर इग्नोरमस एंड इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, एक ऐसा इंसान जिसके पास नॉलेज नहीं, जिसके पास पढ़ाई नहीं हो। ब्रिचिस, ब्रिचिस ए शॉर्ट ट्राउजर, ऐसे ट्राउज़र जो छोटे हो जो घुटने तक। तो डिश क्लॉथ, ए क्लॉथ यूज फॉर वॉशिंग डिश, एक ऐसा कपड़ा जो है बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैम्पर, ए बास्केट विद ए लिड, एक हैम्पर हो गया, एक लिड, एक टोकरी जिसके ऊपर ढक्कन हो। ग्रिमेज स्कॉल्ड फेस फोरहेड शो डिस्कस्ट एंगर एंड डिसअप्रूवल, एक ऐसा चेहरा जहाँ पे गुस्सा दिखाई दे या ना खुश हो, वो उसको बोलते हैं ग्रिमेज। ग्लिच, ए फॉल्ट इन द मशीन दैट प्रिवेंट्स इट वर्किंग फ्रॉम प्रॉपरली, एक ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज़ जहाँ पे किसी मशीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। श्रिक, टू गिव ए शॉर्ट हाई पिच क्राई, श्रिक का मतलब है कि जहाँ पे हम तेज़ी से चिल्ला के बात करते हैं। नैग, वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाई कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, नैग का मतलब एक ऐसा इंसान जो किसी को हर टाइम परेशान करता रहे और उसको कंप्लेन करते रहे कि कुछ कुछ करो कुछ करो, जो जो एल्फ करता था पैट्रिक के साथ। ड्रैग, समथिंग डल एंड अन इंटरेस्टिंग, ड्रैग का यहाँ पे मतलब है कि कोई ऐसा जिसमें कोई इंटरेस्टिंग नहीं हो, जो जिसमें कोई मज़ा नहीं हो। ब्लेयरली, डिम, ब्लेयरली का मतलब डिम, हल्का सा। स्लेली, सीक्रेटिवली मतलब राज की तरह एक छोटे से। कोर्स, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, जो कोर्स का मतलब जो हम काम रोज़ करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंग है ये काम, हमसे मज़ा नहीं आ रहा है वो होता। एटीट्यूड, ए फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, एटीट्यूड का मतलब है फीलिंग अबाउट समथिंग, मतलब किसी के बारे में अपना जो नज़रिया है वो बदलना। तो ये पूरा आपको चैप्टर है, हम मैं आगे नेक्स्ट में आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, आपको फॉरवर्ड करूंगा। थैंक यू सो मच।